The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। रालोद मुखिया जयंत चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश की नजर खतौली, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव पर लगी है। हम सब का प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो। सरकार गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं कर पाई है। इसी के साथ बाहुबली और बाहरी शब्द को लेकर जयंत चौधरी बोले, यह सब पैतरे होते हैं, सरकार विपक्षियों को दबाने की कोशिश कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता संरक्षण देगी। वहीं अखिलेश के खतौली उपचुनाव में प्रचार न करने पर जयंत बोले कि अखिलेश प्रचार में जुटे हैं, डिंपल जी लड़ रही हैं, उनको बड़े अंतर से जिताने में जुटे हैं। मैं जातिवाद के फॉर्मूले पर विश्वास नहीं रखता। देखिए जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। संविधान दिवस के अवसर पर जो राष्ट्र पर्व है, सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। हम सब लोग तत्पर रहें, संविधान की रक्षा करें, संविधानिक जो मूल्य है, जो देश का संस्कार है, उसे बचाकर सजोकर। खतौली चुनाव को लेकर बात करना चाहिए, 2024 का भी चुनाव है और इसको कितना महत्वपूर्ण मानना है, क्योंकि 2017 और 2022 आरएलडी हारी थी, हालांकि सीट उससे पहले आरएलडी की थी। संभवतः 2024 से पहले और कोई चुनाव इस तरह का होना नहीं है और 3 जगह चुनाव हो रहा है प्रदेश में, पूरे देश की नज़र उस पर टिकी है कि क्या नतीजा आता है। और हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही ये चुनाव आया है। जिन परिस्थितियों में खतौली का चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के विधायक थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको दंड दिया गया है और बहुत सीरियस क्राइम पे उनको जो है सज़ा दी है कोर्ट ने, तो और विशेष एक नज़र आती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, किसानों की भूमि है और बीजेपी उस सीट को जीती थी, बाकी दोनों सीट तो समाजवादी पार्टी के खाते में है। तो इसलिए हम सबका प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो और एक सकारात्मक मैसेज, एक पॉजिटिव कैंपेन लेकर हम जा रहे हैं। सरकार की जो कमियां हैं, जो महंगाई है, जो बिजली की दर पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में आम ग्राहक को, किसान को दी जा रही है, गन्ने का भाव, गन्ने का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है ये, यहाँ गन्ने का भाव इस सत्र का घोषित सरकार नहीं कर पा रही है, तो ये बड़ी कमियां लोगों के नज़र में आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे गठबंधन को मौका देंगे। आरएलडी के प्रत्याशी को बाहरी बताया जा रहा है, बाहुबली बताया जा रहा है, क्या कह रहा है उसको? ये तो पैतरे होते हैं चुनाव में। खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राज्य से निर्वाचित हुए हैं और हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भी अब अलग राज हो गया है उत्तराखंड। चिंता मत कीजिए, लेकिन वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री के व्यक्ति को आपने नहीं, जो विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सजा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में, तो कई धाराएं ऐसी हैं जो आप सोचेंगे, ताजुब करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं है। दिस आरोप पर डिस्क्वालीफाई हुआ, एक सख्त संदेश दिया कि कोई भी जो दंगा करेगा उसे लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा, देर सवेर उसे सजा मिलेगी, जनता भी उसे सजा सुनाएगी। अच्छा, कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी खतौली में थे और उन्होंने कहा कि ये चुनाव खतौली का खासतौर से एक बड़ा संदेश देगा, और चाहे वो मैनपुरी का इलेक्शन हो, रामपुर का इलेक्शन हो या खतौली का इलेक्शन हो, क्या आपको लगता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है? उन्होंने, मौर्य जी ने वहाँ मुजफ्फरनगर में जाके गर्मी उतारने की बात नहीं कही इस बार, पिछली बार तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को गांव के लोग पूछ रहे हैं कि गन्ने का भाव क्या होगा, घोषित क्यों नहीं कर रहे, तो सरकार को क्या डर सता रहा है या उन्होंने पूंजीपतियों के साथ बैठ के क्या फैसला लिया जो आज जनता के अदालत में वो पेश ही नहीं करना चाह रहे। पिछले साल 26 सितंबर को घोषित हो गए थे रेट। SAP जो राज्य सरकार करती है, किसान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत वार्ता करके लागत का अनुमान लगा के उस आधार पर ये रेट तय होता आया, लेकिन इस बार इस सत्र में सरकार उसे निर्धारित ही नहीं करना चाह रही। तो सबसे बड़ी बात ही लोगों की है, बीजेपी का कोई नेता गांव में जाएगा तो उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप गन्ने का रेट कब घोषित करें। तो
वोटिंग राइट की मैं बात कर रहा था, आजम खान साहब की वोटिंग राइट ले ली है, विक्रम सैनी की आपने मांग करी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे अभी तक उनके लिए कोई एक्शन? देखिए चुनाव आयोग सबके लिए एक बराबर है, नियम सबके लिए एक बराबर है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आजम खान साहब की आप वोट देने की के अधिकार को से उनको वंचित रख सकते हैं तो वही चीज़ें इन पे भी लागू होनी चाहिए। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को खतौली की जनता देख पाएगी? देखिए हमारी रणनीति है, हम माइक्रो कैंपेन कर रहे हैं, कोई भी बड़ी मीटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग 22 गाँव में जा चुका हूँ, अगले सप्ताह में 60 से 70 गाँव में और जाऊँगा। 28 तारीख में 3 गाँव में हर घर में मतदाता की पर्ची में खुद बांटूंगा। तो पूरा हम संघर्ष करके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब इसमें रणनीति में क्या चीज़ सही बैठेगी उनके हिसाब से हम लेंगे पैसे। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।